नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अग्निपथ के खिलाफ विधानसभा मार्च कर रहे छात्रों को पुलिस ने रोका, कई युवा नेता गिरफ्तार। मुंगेर में परीक्षा के दौरान बिजली हुई गुल, मोबाइल की रोशनी में छात्रों ने दिया एग्जाम। एयरपोर्ट की तर्ज पर विश्व स्तरीय बनेंगे मुजफ्फरपुर सहित 12 रेलवे स्टेशन, देखिए कौन से शहर है शामिल। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घुसा पानी, पहली बारिश में हाल हुआ बेहाल। स्मार्ट सिटी रैंकिंग के टॉप 75 में बिहार का कोई शहर नहीं, पटना को पीछे छोड़ भागलपुर बना सबसे स्मार्ट। पटना के जेपी गंगा पाथवे पर लगेगा एडेप्टिव ट्रैफिक सिस्टम, ओवर स्पीड वाहन चलाने पर कटेगा ई चालान। बिहार में 7वें चरण का शिक्षक नियोजन 6ठे चरण के बाद, जाने अतिथि शिक्षकों पर क्या बोले शिक्षा मंत्री। बिहार में सड़क से लेकर सदन तक अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। एक तरफ विपक्षी दलों ने सदन में मॉनसून सत्र का बहिष्कार किया, तो दूसरी तरफ छात्र संगठनों ने योजना के विरोध में विधानसभा तक मार्च किया। इस दौरान जेपी गोलंबर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई, जिसके बाद करीब 50 छात्र युवा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार विधानसभा के चालू सत्र से प्रस्ताव पारित करने, आंदोलन में शामिल छात्रों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लेने और RYA के प्रदेश उपाध्यक्ष तारिक अनवर सहित सभी गिरफ्तार 1200 युवाओं की बिना शर्त रिहाई की मांग पर बुधवार को आयशा, छात्र राजद, NSUI, RYA, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा व सेना भर्ती जवान मोर्चा ने सैकड़ों की संख्या में बिहार विधानसभा तक मार्च किया। बिहार में बुधवार को सुबह से ही हर तरफ लगातार बारिश हो रही है। खराब मौसम के कारण मुंगेर में अचानक से बिजली गुल हो गई। बिजली नहीं होने के कारण मुंगेर के प्रतिष्ठित कॉलेजों में सुमार RD एंड DJ कॉलेज में विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली जाने के बाद यहां छात्रों ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में परीक्षा दी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को RD एंड DJ कॉलेज में GRS कॉलेज के छात्र BA पार्ट 1 की परीक्षा दे रहे थे। यहां स्नातक पार्ट 1 और 2 की सब्सिडी के इतिहास की परीक्षा चल रही थी, तभी अचानक से मौसम खराब होने के कारण परीक्षा हॉल में अंधेरा छा गया। कॉलेज में बिजली कनेक्शन तो था लेकिन लाइट नहीं थी, जिसके बाद जनरेटर स्टार्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन काफी प्रयास किए जाने के बाद भी जनरेटर स्टार्ट नहीं हो पाया। जनरेटर नहीं चल पाने के कारण छात्र शोर करने लगे, तो परीक्षा के निरीक्षक ने छात्रों को अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर परीक्षा देने की अनुमति दे दी। परीक्षार्थियों के लिए तो परीक्षा कक्ष में मोबाइल ले जाने की मनाही होती है, लेकिन यहां छात्रों ने अपने अपने मोबाइल फोन की रोशनी में परीक्षा दी। छात्र एक हाथ में मोबाइल थामे हुए थे और उसकी रोशनी में दूसरे हाथ से परीक्षा दे रहे थे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे के 12 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। इसमें सोनपुर मंडल के मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एवं बरौनी, समस्तीपुर मंडल के दरभंगा, सीतामढ़ी, बापूधाम, मोतिहारी, दानापुर मंडल के राजेंद्र नगर एवं बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के गया व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तथा धनबाद मंडल के धनबाद एवं सिंगरौली का चयन किया गया है। चिन्हित किए गए सभी स्टेशनों के पुनर्विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे वर्ष 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पुनर्विकास से जुड़े कार्य पूरा होने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होंगी। बिहार की राजधानी पटना में बुधवार की सुबह से ही कभी तेज तो कभी हल्की बारिश हुई। मॉनसून की पहली बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन पूरा पटना शहर पानी पानी हो गया। कई क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हुई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हर बार की तरह इस बार भी राज्य के बड़े मेडिकल कॉलेजों में सुमार नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वार्ड में बारिश का पानी पहुँच गया। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग के वार्ड में भी बारिश का पानी प्रवेश कर गया, जिसके डॉक्टर और अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी पानी के बीच ही मरीजों का इलाज करते हुए देखे गए। अस्पताल में जल जमाव के कारण मरीजों, डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के सफाई कर्मी जल जमाव होने के बाद वार्ड से पानी निकालने में जुटे हुए हैं। स्मार्ट सिटी की ताज़ा रैंकिंग के टॉप 75 में बिहार का कोई शहर नहीं है। रियल टाइम रैंकिंग में बिहार के शहर एक बार फिर फिसड्डी साबित हुए हैं। सबसे चौंकाने वाले नतीजे पटना के रहे। पटना पिछले साल के रैंकिंग से 28 पायदान नीचे गिरकर 54वें स्थान से 82 स्थान पर पहुंच गई है।
बिहार के 4 स्मार्ट सिटी में पटना सबसे नीचे है। ऐसे में एक बार फिर से सरकार के दावों पर सवाल उठना लाजमी है। मंगलवार को देश भर के सभी स्मार्ट सिटी को लेकर स्मार्ट सिटी मिशन ने रियल टाइम रैंकिंग जारी की है। इस बार रैंकिंग नए मापदंडों के आधार पर की गई है। स्मार्ट शहरों की इस सूची में इंदौर सबसे टॉप पर कायम है, जिसे 200 अंक प्राप्त हुए हैं। उदयपुर, सूरत, आगरा और अहमदाबाद क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवें नंबर पर है। रैंकिंग में जहां बिहार की बात करें तो ताजा रैंकिंग में भागलपुर जहां 76 नंबर पर है, वहीं मुजफ्फरपुर 78 और बिहार शरीफ 81 नंबर पर है, तो वहीं पटना 82 स्थान पर है। पिछली बार पटना 54 स्थान पर था, वहीं अब 82 स्थान पर पहुंच गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पटना बिहार के घोषित चारों स्मार्ट शहर मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ से नीचे चला गया है। पटना के जेपी गंगा पथ में ट्रैफिक सुविधा से सुरक्षा व्यवस्था तक पुख्ता की जाएगी। मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने आईजी राकेश राठी, डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एमएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो सहित अन्य वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त ने निर्देश दिया है कि विधि व्यवस्था बेहतर रखने के लिए गंगा पथ पर दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाए। आयुक्त ने जेपी गंगा पथ पर एंट्री एवं एग्जिट पॉइंट सहित अन्य सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर आयुक्त को स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्पीड वायलेशन डिटेक्शन यानी कि ओवर स्पीड पर ई चालान, एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम व सिटी सर्विलेंस प्रणाली लगाने के लिए कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तम तकनीकों के इस्तेमाल से ट्रैफिक प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है, साथ ही इसमें मानव व्यवहार, समूह व्यवहार, महिला सुरक्षा सहित विधि व्यवस्था ठीक करने में भी सहायता मिल सकती है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक बार फिर दोहराया है कि छठे चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सातवां चरण शुरू किया जाएगा। मंगलवार को शिक्षा विभाग के सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षक नियोजन में भाग लेना चाहिए, उनके चयन के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। उल्लेखनीय है कि अभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के नियोजित शिक्षकों की भांति ही राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के देय वेतन में 15% का इजाफा करने का निर्णय लिया है। यह वेतन उन्हें 1 अप्रैल 2021 की समयावधि से दिया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से पे मैट्रिक्स में जिन शिक्षकों का मूल वेतन निर्धारित किया गया है उसमें वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2022 से देय होगी। बिहार में वज्रपात का कहर जारी है। अब तक 16 लोगों की मौत ठनका गिरने से हो गई है। बिहार के 7 जिलों में वज्रपात की चपेट में आने से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। सीएम नीतीश ने मृतक के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए देने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। बता दें कि बिहार के कई इलाकों में तेज आंधी बारिश हो रही है। इस दौरान 7 जिलों में ठनका भी गिरा है, जिसके संपर्क में आने से अब तक बिहार में कुल 16 लोगों की मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर, बांका और अररिया में 1-1 लोगों की मौत हुई है, जबकि भोजपुर में 3, पश्चिमी चंपारण में 2, पूर्वी चंपारण में 4 और सारण में 4 लोगों की मौतें वज्रपात से हुई है। एक बार फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। देवघर कोषागार मामले में लालू सहित अन्य के खिलाफ सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए सजा बढ़ाए जाने की मांग की है। बता दें कि इस याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अधिवक्ता दिवर्सी मंडल ने इस दौरान लालू की ओर से पक्ष रखा। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। सीबीआई की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें लालू समेत अन्य की सजा बढ़ाए जाने की मांग की गई है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि इस मामले में इन्हें कम सजा दी गई है, इन सभी की सजा बढ़ाई जाए। सीबीआई ने कम से कम 7 साल सजा करने की मांग की है, क्योंकि इसी मामले में निचली अदालत ने जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा सुनाई थी, जबकि इसी मामले में लालू यादव को सिर्फ 3.5 साल की ही सजा मिली है। सीबीआई ने कोर्ट से लालू यादव समेत अन्य की भी सजा बढ़ाए जाने की अपील की है।
दसवीं पास उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। भारतीय डाक विभाग ने दसवीं पास उम्मीदवारों के लिए बम्पर बहाली निकाली है। भारतीय डाक विभाग ने स्टाफ और कार ड्राइवर पदों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन की मांग किया है। योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार भारतीय डाक विभाग के आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन का प्रारूप देख सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग की indiapost.gov.in पर उम्मीदवार सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग में कार ड्राइवर उम्मीदवारों के आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2022 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस पद के लिए निर्धारित तिथि के अंदर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार डाक विभाग के सूचना के मुताबिक कार ड्राइवर उम्मीदवारों के लिए 24 पद खाली है। योग और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग में उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन दिया जाएगा।